नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रक्त संबंध के इशारा वाले प्रश्नों को बहुत ही तेजी से और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं। और यदि आप रक्त संबंध के फंडामेंटल बातों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो इससे पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें मैंने पहला ट्रिक लिखा है लकीर का फकीर ट्रिक। इसका मतलब ये है कि मेरे या मेरी से ठीक पहले आपको एक लाइन खींच देना है, लकीर खींच देना है। मेरे या मेरी से ठीक पहले एक लकीर खींच देना है और लकीर खींचते के साथ ही आप समझ लीजिएगा कि आपका 50% प्रश्न सॉल्व हो गया। देखिए कितनी आसान तरीका है। तो लाइन खींचने के बाद अब दूसरा टिक लिखा है मेरा या मेरी बराबर क्या होता है वाक्य को कहने वाला। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रिक के रूप में है लेकिन आपको इस ट्रिक को याद करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर कहा जाए राम ने कहा यह मेरी गाय है, राम ने कहा यह मेरी गाय है, मेरी का मतलब कौन, किसकी गाय है, तो राम की। तो मेरे के या मेरी के जगह पे कौन आया, राम आया। तो बस उसी को यहाँ पे ट्रिक के रूप में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मेरा या मेरी के जगह पे कौन आता है, तो वाक्य को कहने वाला। तो वाक्य को कहने वाला कभी कभी पुरुष होता है, कभी कभी महिला होती है। तो किसी वाक्य को अगर पुरुष कहे तो उसका आंसर कुछ अलग आएगा और उसी वाक्य को अगर महिला कहे तो उसका आंसर कुछ अलग आ सकता है। और कभी कभी महिला और पुरुष दोनों के कहने पर भी आंसर एक ही आता है, इसलिए जब वाक्य को महिला कहे तो अपने आप को महिला बनकर उसको अपने ऊपर रख कर सोचिएगा आंसर, और अगर पुरुष कहे तो अपने आप को पुरुष मानकर उस वाक्य का आंसर सोचिएगा और उसके बाद इसको सरलीकरण करेंगे हम लोग। तो देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है यह एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तस्वीर की तरफ, तस्वीर में कोई व्यक्ति होगा स्त्री या पुरुष, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा, यह तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए महिला ने कहा यह। यह का मतलब तस्वीर वाला या तस्वीर, तस्वीर में जो भी हो तस्वीर वाला मैं लिख दे रहा हूं, तस्वीर वाला व्यक्ति समझिए, तस्वीर वाला व्यक्ति मैं पूरा लिख दे रहा हूं, यानी तस्वीर आप संक्षिप्त में सिर्फ तस्वीर लिख सकते हैं। और परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा में आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये सब क्रियाएं आप मन में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख कर बता रहा हूँ, आप ऐसे लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ दिन बाद आपको या कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आप मन में भी ऐसा कर सकते हैं। अब मैं मेरे के जगह पे कौन आता है वाक्य को कहने वाला, तो आप देखिए मेरे के जगह पे कौन आएगा वाक्य को कहने वाला, यानी वाक्य को कहने वाला कौन है, महिला। तो महिला है तो अपने आप को महिला सोचकर इस वाक्य को अपने ऊपर रखकर इसको छोटा करने की कोशिश करें, क्योंकि रक्त संबंध के प्रश्नों में लंबा वाक्य दिया रहता है और घुमावदार वाक्य होता है, उसे हमें छोटा या सरलीकरण करने की जरूरत होती है। तो चूंकि ये बात को महिला करे इसलिए अपने आप को महिला मानकर अपने ऊपर रखकर सोचिए कि अगर कोई महिला बोले, अपने आप को महिला बनकर सोचिए कि मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, तो अगर महिला अगर कोई कहे कि मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, यानी कि उसके महिला के पिता, इसका मतलब हो गया महिला के पिता का बेटा, महिला के पिता का बेटा, आराम से सोचिए, महिला के पिता का बेटा क्या हुआ। तो इसको पूरा को अगर काट के हम लोग लिखेंगे तो होगा महिला का भाई है। अब पूरा आंसर आ गया, तस्वीर वाला व्यक्ति महिला का भाई है। अब का बराबर कौन है, इसका मतलब यह है कि जिस शब्द के आगे का लिखा रहा, जैसे इसमें लिखा है तस्वीर का, तो का से ठीक पहले जो शब्द लिखा है उसी को हम लोग को बताना होता है ये कौन है। का बराबर कौन है कि मतलब का से ठीक पहले जो शब्द लिखा है वो कौन है, यानी किसके बारे में हमें बताना है कि ये तस्वीर वाला कौन है, किसके हिसाब से, तो जिसके आगे से लिखा रहता है उसके हिसाब से। बस ये याद रखिए का बराबर कौन है, यानी का से ठीक पहले जो शब्द है वो कौन है। यानी कभी कभी आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिता आंसर लिखे कि पुत्र लिखे, चाचा लिखे कि भतीजा लिखे, मामा लिखे कि भांजा लिखे, तो हमेशा आप का से ठीक पहले वाला जो शब्द है उसको बताइए कि ये कौन है। तो यानी ये तस्वीर कौन है, तो तस्वीर वाला महिला का भाई है, यानी कि तस्वीर वाला कौन है, महिला का भाई है। अब अगला प्रश्न NTPC में देखिए, ये भी आया हुआ है लेटेस्ट, एक आदमी के चित्र की तरफ, यानी ये आदमी के चित्र की तरफ,
इशारा करते हुए देखते हुए इरफान ने कहा, क्या कहा उसकी माँ, तो मैंने बताया कि मेरे से ठीक पहले एक लाइन खींच दीजिए और आपका 50% प्रश्न सॉल्व हो गया, आपकी आधी समस्या खत्म हो गई। आधा को और अलग सरल कीजिए, छोटा करिए, आधा को अलग छोटा करिए। तो उसकी माँ, तो वाक्य पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उसकी माँ की जगह पे आपको क्या लिखना है। एक आदमी के चित्र की तरफ देखते हुए इरफान ने कहा उसकी माँ, यानी किसकी माँ, तो आदमी की माँ। यहां पर एक बात मैं और बता देता हूं, कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि उसकी माँ की जगह पे सिर्फ आदमी लिख देते हैं। तो याद रखिएगा दो शब्द है तो इसके बदले में दो शब्द जरूर आएगा। तो आदमी के चित्र की तरफ देखते हुए इरफान ने कहा उसकी माँ, यानी कि आदमी के चित्र की माँ, यानी कि आदमी की माँ। अब मैं से शुरू होता है सरलीकरण, यानी कि मेरे जो है मेरे मेरी की जगह पे क्या आता है, वाक्य को कहने वाला। तो वाक्य को कहने वाला कौन है, तो इरफान है जो कि एक पुरुष है, नाम से समझ में आ रहा है। तो अपने आप को महिला है तो भी पुरुष, पुरुष है तो भी पुरुष, अपने आप को पुरुष मान के ये सोचिए कि अगर पुरुष कोई बात कहे, अपने आप पर ही सोच के देखिए पुरुष बनकर, कि मेरे पिता के बेटा, मेरे पिता का बेटा। और एक बात और देखिए इसमें लिखा हुआ है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी ये अपने माता पिता का इकलौता संतान है। तब इस परिस्थिति में अगर कहा जाए मेरे पिता का बेटा, यानी कि मेरे पिता का बेटा, मेरे पिता का बेटा की जगह पे अगर काट के लिखना होगा तो हमें लिखना होगा मैं स्वयं, और आगे बचा हुआ है कि पत्नी है, यानी पूरा वाक्य बन गया आदमी की माँ मैं स्वयं की पत्नी है। तो मैं की जगह पे क्या होगा, तो मैं की जगह पे आता है कौन, वाक्य मैं या मेरी की जगह पे आता है वाक्य को कहने वाला। तो मैं या मेरी की जगह पे वाक्य को कहने वाला कौन है, इरफान। तो मैं स्वयं को काट के लिख दीजिए इरफान, इरफान। तो पूरा वाक्य क्या बन गया, आदमी की माँ इरफान की पत्नी है। अब अगर आपको लास्ट में न समझ में आए तो इसको तीर विधि द्वारा समझा सकते हैं। आदमी की जो ये माँ है, माइनस, माइनस का मतलब हम लोग महिला से दर्शाते हैं, आप चाहें तो प्लस माइनस से भी देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आदमी की ये जो माँ है यही क्या है, इरफान की, इरफान की जो है ये जो ये प्लस है इसकी ये क्या है, पत्नी है। आदमी की ये जो माँ है यही इरफान की क्या है, पत्नी है। अब पूछ क्या रहा है, तो इरफान किसके चित्र को देख रहा है, तो ये आदमी का चित्र था, मैंने आदमी, तो आदमी का ये चित्र था जो, तो इरफान किसके चित्र को देख रहा है, तो ये इसकी पत्नी है, और पत्नी का ये लड़का है तो इसका भी ये लड़का ही कहलाएगा, यानी अपने बच्चे की ये तस्वीर को देख रहा है। तो गर्मी में इससे ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना संभव नहीं है, क्योंकि दो दो मिनट में पसीना निकल जा रहा है और पंखा चलाने से नॉइज़ आ जाएगा, वैसे यहाँ पर पंखा है भी नहीं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।